स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम आपका क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.3। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कर लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। को प्राइम्स नंबर आपको पता है कौन से नंबर होते हैं जो कि जिसका एक ही फैक्टर होता है। एक ही फैक्टर मीन्स जो खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं, जैसे वन टाइम, सिर्फ वन टाइम एक ही बार वो डिवाइड होते हैं। जैसे कि आपका 3 हो गया, है ना, तो 3 और किसी के टेबल में नहीं आता, तो एक को प्राइम नंबर है। ऐसे हो गया आपका 7, 13, है ना, जो मींस जिनके जो किसी और के टेबल में नहीं आते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं, है ना, या फिर जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, मींस जो वन टाइम ही जाते हैं, जैसे 7, 1, 7। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वन ही जो है प्राइम फैक्टर है, जैसे 7, 1, 7। ठीक है, तो 7 किसी के और के टेबल में नहीं आता है, तो 1 के ही, 1 ही एक ऐसा नंबर है फैक्टर जिससे वो डिवाइड हो रहा है, और 1 सभी से ही, 1 सभी का फैक्टर होता है जैसे कि हमें पता है। तो सिर्फ यहाँ पर 1 ही, 1 से ही जो है 7 के टेबल में आता है। ठीक है, तो ऐसे ही फैक्टर करेंगे हम 18 का। तो यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, इसके फैक्टर करने हैं हमें, तो ए आपका 18 एंड 35। तो फैक्टर कर देंगे, पहले 18 के फैक्टर करेंगे, फिर 35 के, फिर जो उसमें कॉमन फैक्टर होगा हम वो लिखेंगे। तो 18 के फैक्टर हम लिख देंगे, तो 18 का मतलब हमें फैक्टर करना है, जैसे 18, तो 1 के टेबल में तो आता ही 18 है ना, तो 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, और 1 1 1, है ना, 1 तो 1 ही आता रहेगा, है ना। तो यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर हैं हमें देखेंगे, यहाँ पर 2 है, 3 है, 3 है, ठीक है, और किसके टेबल से, 9 की टेबल में भी आता है 18, है ना, और 18 के टेबल में भी आता है 18। तो ये फैक्टर हो गए इसके, तो इन सब से डिवाइड हो रहा है 1, 2, 3, 6, 9, 18, है ना। तो इन सब के फैक्टर है, 18 के फैक्टर है ये। और 35 के क्या फैक्टर है आपके, 1 तो होता ही आपको पता है, और 35 भी होगा, ये दोनों तो होंगे ही होंगे, है ना, मीन्स जो नंबर है और 1, ये दोनों तो होते ही हैं फैक्टर, है ना, ये तो सबको ही पता है कि 35 1 35, है ना। तो ये दो तो फैक्टर होंगे ही, 35 और 1, तो ये लिख देंगे हम। और किस किस के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 5 7 35, तो एक 5 हो गया फैक्टर और एक 7 हो गया फैक्टर। तो इसमें अगर हम अब कॉमन फैक्टर देखेंगे तो कौन कौन से है, सिर्फ 1 ही हमें कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है, तो इसमें एक ही कॉमन फैक्टर है, तो दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, तो ये को प्राइम नंबर है आपके। ठीक है, तो बी, अब बी देखेंगे हम, 15 एंड 37, तो 15 के फैक्टर कर देंगे हम, 15 के फैक्टर करेंगे तो 15 1 15, ठीक है, ये दो फैक्टर तो होंगे ही, है ना, 15 और 1, और किस किस के टेबल में आता है डिवाइड कर देंगे, 3 5 15, 5 1 5, है ना, तो 3 भी हो गया और 5 भी हो गया एक फैक्टर। ऐसे हम 37 के करेंगे, तो 37 के 37 1 37, तो ये दो ही फैक्टर है इसमें, और कोई फैक्टर नहीं है 37 का, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 1 1 कॉमन आ रहा है, तो एक ही नंबर जो इसमें कॉमन आ रहा है, तो ये भी क्या है, को प्राइम नंबर है आपके। ऐसे ही सी देखेंगे हम, तो सभी क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही करना है। तो अब पहले सी देख लेंगे, 30 एंड 415, तो अब 30 के हमने फैक्टर किए 1 2 3 5 6, ठीक है, तो ये आए आपके फैक्टर, और 415 के करें तो हमने आए फैक्टर हमारे 1 5 83 415। तो इसमें कॉमन कौन कौन से, एक तो 1 है आपका कॉमन, और इसमें 5 भी कॉमन आ रहा है आपका। ठीक है, तो फैक्टर आपको पता है कैसे कराने हैं, 1 एंड 30 तो हो गई आपको फैक्टर, ये आपको पता होना चाहिए, 1 और जो नंबर है आपका, जैसे कि 30, और 30 के फैक्टर कर देंगे हम, तो 2 1 2 2 5 15, एक हो गया 15 फैक्टर, है ना, एक हो गया 2 फैक्टर, और 3 5 15, 3 भी एक फैक्टर हो गया, 5 भी एक फैक्टर हो गया, ठीक है, 5 1 5, है ना, तो ये फैक्टर हो गए 2 3 5 15, ठीक है, तो ये सब इसके फैक्टर्स हैं आपके।
और हमने 415 के फैक्टर करे तो कितने आए, बहुत सारे फैक्टर आएंगे हमारे 1, 5 और लास्ट के 83। तो इसमें सिर्फ दो ही फैक्टर कॉमन आ रहे हैं, अगर आप करेंगे आगे देखेंगे करके देखेंगे तो आपके इसमें दो ही कॉमन फैक्टर आएंगे। तो इसमें एक से ज़्यादा फैक्टर आ रहा है तो क्या है, ये कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो जब कंपोजिट नंबर है तो एक से दो से ज़्यादा फैक्टर है इसके, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है आपका। अब देखेंगे हम डी वाला, ऐसे ही आपका डी है, ठीक है। तो डी के भी फैक्टर कर देंगे पहले आप, तो 17 के कितने फैक्टर आएंगे, 1 and 17, ठीक है, क्योंकि ये खुद के टेबल से ही डिवाइड होता है। 17 बन जा 17, तो ये दो ही फैक्टर है इसके, 17 and 1। तो नेक्स्ट है आपका 68, अब 68 को डिवाइड कराएंगे हम तो उसके फैक्टर कर देंगे। 68 के फैक्टर करें हमने तो 68 के फैक्टर करें हमने तो 1 और 68 तो हो गए फैक्टर, है ना। तो और कौन कौन से हैं, 2 से देखते हैं, 2 3 6, 2 4 8, 34 2, है ना। तो दोबारा करेंगे, अब 2 से जा रहा है, 2 1 2, 2 7 14, 17 एक फैक्टर हो गया, और 17 1 17, है ना। तो 17 1 भी फैक्टर है, 17, ठीक है। तो 1 और 68 तो हो गई, और बाकी कौन कौन से फैक्टर है आपके, 17 34, है ना, 2। तो ये लिख दिया हम यहाँ पर, लिखे हुए जैसे 1 2 4 17 and 34 86, 68 होना यहाँ पर, ठीक है। तो ये करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 68 आएगा, करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से, जो इसमें भी 17 में भी आ रहे हैं और 68 में भी, तो आपके 17। तो इस नंबर के एक से ज़्यादा क्या है, कॉमन फैक्टर है, जैसे 1 और 17 दो कॉमन फैक्टर है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है आपका, ये क्या नंबर है आपका, कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही आपका ई का करेंगे और एफ भी करेंगे आप, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा फैक्टर कॉमन फैक्टर होंगे तो प्राइम नंबर होंगे, एक से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो कंपोजिट नंबर होंगे, ठीक है। और जिसके सिर्फ एक ही फैक्टर होंगे, जो एक ही चीज़ कॉमन आ रही है अगर दोनों दोनों नंबर्स में, तो ये आपका होगा को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ई भी आपका क्या है, जैसे कि 216 और 215, तो ये 1 ही है इसमें कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये भी को प्राइम नंबर है, और 81 और 16 में क्या है, सिर्फ 1 ही आ रहा है कॉमन, है ना। तो यहाँ पर 1 ही आ रहा है कॉमन, तो सिर्फ ये क्या है, को प्राइम नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अ नंबर डिविजिबल बाय बोथ 5 and 12, ठीक है। तो एक नंबर है जो कि किससे डिवाइड हो रहा है, दोनों से, 5 और 12 से। बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर ऑल्सो बी डिविजिबल, ठीक है। तो आपको बताना है कि ऐसा दूसरा कौन सा नंबर होगा जिससे, जो कि 5 और 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको ऐसा दूसरा नंबर बताना है जो कि 5 और 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 5 और 12 की मल्टीप्लाई करा देंगे हम, ठीक है। क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई, जो नंबर मल्टीप्लाई करके आएगा, है ना, तो वो डिवाइड करके भी, है ना, डिवाइड हो सकता है उससे, क्योंकि उससे ही फैक्टर है, उसका ही मल्टीप्लाई करके आया है। तो 5 into 12 कर देंगे, तो 5 into 12 कितना हो जाएगा आपका, 60। तो 65 से भी डिवाइड हो जाता है ना, 5 12 60, एंड 12 से भी डिवाइड हो जाएगा 60, 12 5 60, है ना। तो अगर जो नंबर मल्टीप्लाई करा के आपका दूसरा नंबर आ रहा है, तो वो नंबर डिवाइड हो सकता है जो फैक्टर्स हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12, एक नंबर है जो कि 12 से डिविजिबल है। बाय व्हाट अदर नंबर्स विल द दैट नंबर्स विल बी डिविजिबल्स, ठीक है। तो और कौन से नंबर है जिससे कि वो नंबर डिवाइड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एक नंबर किससे डिवाइड है आपका, 12 से, तो फैक्टर कर देंगे हम 12 से, 12 के फैक्टर कर देंगे, ठीक है। तो 12 के फैक्टर कर देंगे हम, तो 12 1 1 और 12 तो रहेगा, और किससे, 2 के टेबल में आता है 12, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, है ना, और 6 के टेबल में भी आता है। तो ये सब इनके फैक्टर हो गए, ठीक है। तो हमें ये बोला गया था यहाँ पर कि अगर एक नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 12 से, जैसे 12 से डिवाइड हो रहा है 24, तो आपको इसमें ये बताना था कि ये 24 और किस किस से डिवाइड हो जाएगा आपका, ठीक है, जो कि 12 के ही क्या होने चाहिए, फैक्टर होने चाहिए।
ठीक है, तो फैक्टर हमने कर दिए यहाँ पर 12 के, तो जो नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है ना, वो किससे डिवाइड भी होगा आपका, 2 से भी डिवाइड होगा वो, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, तो इन सब से भी वो डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 12 से जो आपके 2, 3, 4 है ना, इनसे 12 डिवाइड हो जाता है, 12 क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है ना, तो 24 भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है।